दोस्तों, अगर आप YouTube में वीडियोस पोस्ट करके बहुत सारा पैसा अर्न करना चाहते हैं तो एक चीज आपको अच्छे से पता होगा कि YouTube में अर्निंग तभी होता है जब आपकी वीडियोस में ऐड आता है, और ऐड तभी आता है जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, और मोनेटाइज होने के लिए आपके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है चैनल खोलने के बाद पहला एक साल के अंदर या फिर लास्ट 365 डेज के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। ऐसा यूट्यूब का कहना है और सारे यूट्यूबर्स का भी कहना है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये जो चीज़ आप इतने दिन से जानते थे ये सरासर गलत है, यूट्यूब का रूल्स कुछ अलग ही है और कोई भी बाउंडेशन ऐसा नहीं है, तो आप डेफिनेटली शॉक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी शॉक हो गया था जब मेरे इस बीन साइड चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली चीजें बताऊंगा कि क्या होता है और कितना दिन आपको टाइम मिलता है, कितने समय के अंदर आपको जो ये थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट करना पड़ता है, सारे डेज मेरे इस चैनल का एग्जांपल देके। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बीन साइड, लेट्स स्टार्ट। मेरे चैनल में मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया था 13 अप्रैल 2019 को एंड कंटिन्यूअसली काम कर रहा था उसके बाद से। लेकिन 13 अप्रैल 2020 आते आते मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुआ और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो पहला एक साल के अंदर तो कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि जब लास्ट 365 डेज के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा तब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, एंड उसके बाद से फिर से कंटिन्यूअसली काम किया। जुलाई महीने में जाके 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन सब्सक्राइबर कुल मिला के तब 800 सब्सक्राइबर थे और लास्ट 365 डेज के हिसाब से 600 सब्सक्राइबर थे। तो वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गया लेकिन सब्सक्राइबर नहीं था, इसलिए चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। दूसरों के चैनल में पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि आप दोस्तों के साथ शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल सकते हैं लेकिन वो वीडियोस आपका नहीं देखता है। लेकिन मेरे चैनल में उल्टा हुआ, क्योंकि मेरे चैनल में जो सबसे ज्यादा व्यूज आता है वो सर्च रिजल्ट के थ्रू आता है, 80% सर्च रिजल्ट के थ्रू आता है, क्योंकि मेरा बहुत सारा वीडियोस आपको टॉप में मिल जाएगा जब भी आप कुछ सर्च करेंगे। तो इसके कारण मेरा पहले 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद से भी मैं कंटिन्यूअसली काम कर रहा था और अगस्त महीने में 25 तारीख को जाके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ। तो जब मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ तब मेरा लास्ट 365 डेज के हिसाब से 800 सब्सक्राइबर थे और वॉच टाइम 4000 घंटे के जगह पे 5000 घंटे से ज्यादा हो गया था। तो फिर भी मैंने तब सोचा कि मेरा चैनल अभी तो मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 365 डेज के हिसाब से मेरा जो क्राइटेरिया है वो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। और जब से मैं यूट्यूब में वीडियोस बना रहा हूं तब से जो यूट्यूब रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं उस तरह का जो चैनल आता है, जैसे कि माई स्मार्ट सपोर्ट, मनोज दे, वी मेक क्रिएटर, तो इन सब चैनल को मैं फॉलो करता हूं। मनोज दे का आप ये वाला वीडियो में देख सकते हैं, वहां पे इन्होंने लिख के बताया था कि आपको लास्ट 365 डेज के हिसाब से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो पब्लिक वॉच टाइम है ये आपको कंप्लीट करना होगा। तो मैंने भी यही सोचा था, और जब मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था तब मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि एक साल चार महीना मेहनत करने के बाद 1000 सब्सक्राइबर मिला था। और आप सभी को पता है कि जो पहला 1000 सब्सक्राइबर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी चैनल के लिए, और 1000 सब्सक्राइबर होने में जितना टाइम लगता है वो आपका 10000 सब्सक्राइबर होने में भी उतना टाइम नहीं लगता है। और 27 तारीख सुबह को मेरे पास एक यूट्यूब की तरफ से मेल आता है और उसमें यह कहा जाता है कि आपका चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्रूव हो चुका है। ये देख के मैं शॉक हो गया, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लास्ट 365 डेज के हिसाब से मैं जितना जानता था उसमें 822 सब्सक्राइबर ही हुआ था मेरे पास। लेकिन मैं साथ में बहुत ज्यादा खुश भी हुआ था, क्योंकि एक साल चार महीने के मेहनत करने के बाद थोड़ा सा मतलब एक साथ में ही हैप्पीनेस मिल रहा था, 1000 सब्सक्राइबर और बैक टू बैक चैनल मोनेटाइज। लेकिन साथ में मैं शॉक भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे जितना पता था ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद मैंने यूट्यूब का जो डिटेल्स है वो खोजना शुरू किया और वहां पर एक चीज क्लियरली मेंशन किया गया था कि 1000 जो सब्सक्राइबर है वो आपको लाइफ टाइम आपके चैनल में चाहिए, मतलब जब भी आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, और जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो आपको लास्ट 365 डेज के हिसाब से चाहिए। सो एक चीज आप यहां पे समझ सकते हैं कि जो 1000 सब्सक्राइबर है वो आपके चैनल में जब भी कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त अगर लास्ट 365 डेज के हिसाब से आपके चैनल में 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आपका चैनल उस वक्त यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइज कर दिया जाएगा, ऐसा यूट्यूब का क्लियरली कहना था। सो मेरे चैनल के एग्जांपल से एक चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से था वो सरासर गलत था और ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज में सक्सेस बाय लक आता है या फिर मेहनत से आता है, लक हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है। तो अगर आप कोई YouTube चैनल क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपका ऑलरेडी चैनल क्रिएट कर चुके हैं तो आप मेहनत कीजिए, अच्छा अच्छा वीडियोस बनाते जाइए। लोग जब आपके चैनल में बहुत सारा वीडियोस हो जाएगा तो कोई भी अगर आपके चैनल में आएगा तो उसको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा दूसरा वीडियोस देखने के लिए, तो उस वक्त आपका जो व्यूज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा ये 98 नंबर वीडियो है, तो आपको पता है कि एक वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, तो 98 वीडियो में कितना ज़्यादा मेहनत लगा होगा। अभी 35 डिग्री टेम्परेचर है और मैं फैन बंद करके वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फैन को ऑन कर लूंगा तो आप सुन नहीं पाएंगे मेरे आवाज़ को। मैं भी यही कोशिश में हूँ कि मेरे वीडियो को कैसे मैं और अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ और आप लोगों को कैसे और भी अच्छा अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, तो इस चीज़ को आप भी ध्यान रखिए और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाइए। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम के बारे में ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। अगर आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, पर डे आपका
1000-2000 व्यूज आना शुरू हो जाएगा, वो आपका एक महीने में भी कंप्लीट हो सकता है। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है यूट्यूब से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मेरा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर कोई भी आपका सवाल या सुझाव है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको गोलू बटन मिल जाएगा, क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।